हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक इन दिस न्यू सेशन। आज हम जो यूनिट 8 है बिल्डिंग टेक्नोलॉजी का, जो है आर्च और लिंटल है, ठीक है, उसके बारे के अंदर हम स्टडी करेंगे कि लिंटल क्या होता है और आर्च क्या होता है और ये क्या काम आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिंटल के बारे में स्टडी करेंगे कि लिंटल जो होता है वो हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, जो कि ओपनिंग जो होती है वॉल के ऊपर, जैसे डोर विंडो है, वेंटिलेटर का बोर्ड है, उसके ऊपर हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जिससे कि इसलिए प्रोवाइड करते हैं हम कि ओपनिंग के ऊपर, जिससे कि जो लोड जो है डायरेक्टली आपके डोर विंडो पे नहीं आए, ऊपर का जो मेसनरी जो है उसकी, और वो जो लोड है वो लिंटल के ऊपर आ जाए, ठीक है, आ जाए, ठीक है। तो ये जनरली जो है लोड जो लेती है लिंटल, वो है आपके फ्लेक्सुरल एक्शन के द्वारा ये लोड लेते हैं, ठीक है। तो जनरली हम जो है जो से लिंटल है, लिंटिंग जब भी हम प्रोवाइड करेंगे तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि एंड बियरिंग है वो आपके 200 mm होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपके प्रॉपर रूप से वो लोड को डिस्ट्रीब्यूट, उसके जो आपके जो अबेंडमेंट है उसके ऊपर प्रॉपर रूप से डिस्पोज हो जाए, ठीक है। लिंटल की जो थिकनेस होती है वो जनरली जो वाल की थिकनेस होती है वही होती है, ठीक है। अब अगर लिंटल की, हाँ, अगर मान लीजिए कि ओपनिंग आपकी बड़ी है तो आप आरसीसी की स्लेब जो है आपको लिंटल के रूप में यूज़ करना है, लेकिन ओपनिंग अगर आपकी छोटी है, ठीक है, आपके 1 मीटर के आसपास है, तो आप स्टोन वगैरह है इसकी भी, आप स्टोन स्लेब वगैरह हैं उसकी भी लिंटल प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जनरली जो लिंटल है वो आपके जो वुड की, स्टोन की या ब्रिक की या आरसीसी की या स्टील की हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जनरली आपके जो है वर्तमान के अंदर जो है हम आरसीसी की लिंटल प्रोवाइड करते हैं, वुड की वगैरह ही आजकल जो है कम ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे वुड है, वुड में प्रॉब्लम ये होती है कि आपके एक तो ये टर्माइट वगैरह लग जाती है, तो इसको वेल सीजन वगैरह करके हमको लिंटल के यूज़ में लेना है, ठीक है। तो जनरली अगर आपको सिंगल पीस में वुड नहीं मिलती है तो आपको 2 या 3 पीस के अंदर करके उसको ज्वाइन करके भी आप जो है लिंटल का के रूप में काम में ले सकते हैं। स्टोन जो स्लेब होती है, ठीक है, स्टोन की जो स्लेब होती है उसको भी हम लिंटल के रूप में काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टोन स्लेब के अंदर जो उसकी जो थिकनेस होती है वो 1/10 स्पान होती है, वो आपको रखनी है, ठीक है। तो ये स्टोन है जनरली ब्रेकेबल होती है, इसलिए हम कम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये टेंशन के अंदर क्या होती है, वीक होती है स्टोन, ठीक है। इसके बाद में ब्रिक है, ब्रिक को भी ये एक टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन के लिए आवश्यकता होती है, इसको क्या करते हैं आपको 7 से 14 दिन तक जो है आपको क्या करना है कि फ्रेम जो आपके वुड फ्रेम फॉर्म वर्क जो होता है उसके ऊपर लगाते हैं और फिर उसके बाद में उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ब्रिक की भी लिंटल यूज़ होती है, जनरली जो यूज़ करते हैं वो हम आरसीसी से की करते हैं, ठीक है। तो आरसीसी की जो करते हैं तो उसमें क्या होता है कि रेनफोर्स डाल देते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी उपयोगी होती है और ये जनरली आरसीसी की, स्टील की भी यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें स्टील लिंटल है वो आपके जनरली जो आई सेक्शन वगैरह है लिंटल के रूप में काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके स्टील की लिंटल होगी, ये आपके लिंटल का जैसे ये ओपनिंग है, ये आपने लिंटल यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। ये आपके ब्रिक वगैरह की है, ठीक है। अब आपको क्या इफेक्टिव स्पान जैसे है, ठीक है, एक तो बियरिंग, तो आपके जैसे ये तो आपके जो हो गया स्पान हो गया, और इस इफेक्टिव स्पान में क्या करते हैं हम कि जो ये थिकनेस होती है वाल की थिकनेस होती है, तो वाल की आधी थिकनेस यहाँ से, आधी थिकनेस यहाँ से, इन सबको इसमें एल में जोड़ देते हैं, तो ये क्या कहलाता है आपके इफेक्टिव स्पान कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे आर्च के बारे में कि आर्च जो होता है, तो आर्च क्या होता है, आर्च भी क्या जनरली हम क्या करते हैं बिल्डिंग के डोर और विंडो की जहाँ ओपनिंग होती है वहाँ पर हम आर्च को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आर्च जो है वो लोड का जो मेसनरी का जो डोर विंडो के ऊपर के जो आता है, ठीक है, उसको जो है आर्च एक्शन के द्वारा जो है वो लोड को सहन करता है, ठीक है। तो आर्च एक्शन क्या होता है, इट कं स्मॉल वेज शेप यूनिट जॉइंट टुगेदर बाय मोर्टार, ठीक है। तो आप आर्च जो हम बनाते हैं जनरली छोटे छोटे जो यूनिट होते हैं, ठीक है, उनको जोड़ के मोर्टार से जोड़ के हम बनाते हैं, ठीक है।
बट आर्च मेड ऑफ स्टील आरसीसी आर बिल्ट इन सिंगल, ठीक है, लेकिन आरसीसी और स्टील के हैं, आर्च हम सिंगल यूनिट के अंदर भी बना सकते हैं। ये जो चीज़ है ये आपके स्टोन है या ब्रिक वगैरह है उसके अंदर है, तो ये जो है इसके अंदर जो है लोड जो ट्रांसफ़र होता है वो आर्च सेक्शन का होता है, यानी कि आपके जो है हॉरिजॉन्टली जो है इसका मूवमेंट होता है। तो आर्च जब भी प्रोवाइड करें आपके अबेटमेंट जो होते हैं बिल्डिंग के, ठीक है, वाल होनी चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये आर्च सक्सेसफुल है। तो आर्च के लिए जो है जो जब आर्च के हम स्टडी करते हैं तो आपके जनरली कॉमन टर्म्स ये होती है कि जब भी आर्च हो, जैसे इंट्रोड क्या होता है, सोफिट क्या होता है, जैसे इंट्रोड होता है वो आर्च का इनर पोर्शन होता है, ठीक है, सोफिट होता है वो आर्च की जो इनर सरफेस कहलाते हैं, एक्सट्रोड यानी कि आर्च की बाहर की सतह कहते हैं, वेजियर जो होता है वो आपके जो है वे शेप यूनिट होता है, ठीक है, इसी तरह से क्राउन होता है वो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एक्सट्रोज होता है, की होती है, ठीक है, वो होती है आपके यूनिट एट क्राउन के, क्राउन के ऊपर जो पत्थर वे शेप पत्थर प्रोवाइड किए जाते हैं उसको क्री की बोलते हैं, अबिटमेंट है, जैसे एंड सपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, अबिटमेंट बोलते हैं। तो ये आपके बेसिकल टेक्नोलॉजी है जिसको कि आपको इसका करना, जैसे आपके जैसे स्पान है, स्पान मैंने बताया आपको कि क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन दी सपोर्ट होता है, ठीक है, इसी तरह से राइज होता है, राइज होता है आपके हाईएस्ट पॉइंट जो होता है एक्सट्रोड से और जो स्ट्रिंग लाइन के इन दोनों के बीच की दूरी होती है, सेंटर होता है ज्योमेट्री सेंटर आर सेंटर होता है, ठीक है। तो ये सब जो है आपके इसकी डेफिनेशन है, जब भी हम आर्च की स्टडी करेंगे तो आपको इन चीज़ों का आपको ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी, ठीक है। अब आर्च जो है, आर्च को हम डिफरेंट उसके हिसाब से हम पहचानते हैं कि जैसे उसके अंदर जो है इंट्रोड या सोफिट में भी फॉर्म बाय सिंगल आर्च या कम्बिनेशन ऑफ आर्च और वेरियस रेडियल एंड सेंटर, ठीक है, एंड नेम्ड एज वन सेंटर टू सेंटर थ्री सेंटर और सो ऑन, ठीक है। तो आर्च जो है, ठीक है, वो बनता है आपके डिफरेंट रेडियल का और डिफरेंट अगर उसके सेंटर हो तो इनका सबका कम्बिनेशन बनता है, ठीक है। तो उसको हिसाब से हम उसको नाम देते हैं, जैसे आपके वन सेंटर हो गया, जैसे आपके सर्कुलर हो गया, ठीक है, तो सॉरी सेमी सर्कुलर हो गया, तो सेमी सर्कुलर का आपके एक ही सेंटर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है टू सेंटर है, ठीक है, इसका मतलब इसके दो जो है आपके सेंटर होंगे, इसी तरह से थ्री सेंटर है तो थ्री सेंटर होंगे, चार है तो चार, पाँच है तो वहाँ, तो ये अकॉर्डिंग टू जो रेडियस है उसके हिसाब से इसकी हम उसको डेफिनेशन या इसको आर्च को हम पहचानते हैं कि कितने प्रकार के ये हो सकते हैं, ठीक है, जैसे एलिप्टिकल आर्क है, ठीक है, इसके दो सेंटर होते हैं, ठीक है, इसी तरह से आपके और ब्लंट आर्च है, ठीक है, इसके जो है सेंटर जो इसके आर्च के अंदर ही होते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार ये आपके वन सेंटर टू सेंटर थ्री सेंटर और फोर सेंटर फाइव सेंटर आर्च होते हैं। इसके बाद में आर्च को जो हम शेप के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे फ्लैट आर्च है, फ्रेंच डच आर्च है, सेमी सर्कुलर आर्च है, सेगमेंट आर्च है, रिलीविंग आर्च है, पॉइंटेड आर्च है, सेमी सर्कुलर आर्च है और हॉर्सशू आर्च है, ठीक है। जैसे फ्लैट आर्च होता है तो फ्लैट आर्च के अंदर क्या होता है कि एक्सट्रोड हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, और इंट्रोड जो होता है वो स्लाइटली राइज होता है चैम्बर से, ठीक है, 10 से 15 mm पर मीटर विड्थ के हिसाब से वो क्या होता है उसके अंदर राइज होता है, तो ताकि वो सेटल थोड़ा सा हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार ये अपने डिफरेंट टाइप्स के आर्चेज हैं जिसको कि आपको ध्यान रखना है जो, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आज हॉर्सशू वगैरह है इसके अंदर क्या होता है कि हॉर्सशू की इसकी लुक लाइन होती है, तो इस प्रकार आज हमने जो है डिफरेंट टाइप्स के जो है ये सब रेफरेंसेस के बारे में जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।